अतान चे पी रखे यतम सुरक्षितम सुरक्षित मनतरम यामम पठजज्ञेय पंडितों यदि अपने आप को प्रिय और श्रेष्ठ समझता है तो उसे सुरक्षित रखे पंडित साधक को चाहिए कि वह रात के तीन प्रहर में से एक प्रहर जागरण करे आदमी को संसार में सबसे प्रिय क्या है सबसे प्रिय तो है अपना आपा लेकिन उसकी अवहेलना आदमी बराबर करता है बाहर की जितनी भी चीजें हैं धन मकान जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा खाना पीना पहनना अन्य और लोग का संबंध किसके लिए है अपने लिए लेकिन आदमी को जितनी चिंता धन को सुरक्षित रखने में है मकान को सुरक्षित रखने में है अन्य और चीज़ों को सुरक्षित रखने में है यहाँ तक देखने सुनने चटोरी की आदत को सुरक्षित रखने में है उसका अल्पांश भी चिंता नहीं है अपने को सुरक्षित रखने में क्यों क्योंकि आदमी की दृष्टि सब समय बहिर्मुख है सारी चीज़ें हैं अपने लिए, लेकिन संभालता है चीजों को अपने को संभालता नहीं है अपनी तरफ देखता नहीं है और जो अपनी तरफ देखता है वही साधक है वही पंडित है वही ज्ञानी है संसार की तरफ देखने वाला संसारी आदमी वो साधक नहीं बन सकता संसार की चीजों की आवश्यकता जीवन निर्वाह के लिए है इसलिए उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है लेकिन व्यवस्था करने का अर्थ यह नहीं है कि हर समय रात दिन उनका ही चिंतन किया जाए यहां कहा गया है अतानम ची पीएम जन्ना यदि अपने आप को प्री समझता है तो रखेयम तम सुरक्षितम उसे अपने आप को सुरक्षित रखे अपने आप को समझना अपने आप को प्री मानना श्रेष्ठ मानना सुरक्षित रखना इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यही है कि अपने मन के जो विकार हैं चित्तमल मन की जो ग्रंथियाँ उनको दूर कर देना क्योंकि चित्त के विकार चित्तमल जब तक दूर नहीं होंगे तब तक हमको पूरी शांति मिल नहीं सकती है जो चीज़ हमें प्रिय होती है बहुत प्रिय उसको हम कितना संभाल करके रखते हैं हर समय उस उसकी चिंता बनी रहती है बहुत सुरक्षित तो अपने आप को सुरक्षित रखने का अर्थ क्या है यदि हम अब हम मनोविकारों में बह रहे हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं अपने आप की अवहेलना कर रहे हैं मन के विकार प्रिय है काम प्रिय है क्रोध प्रिय है लोभ प्रिय है मोह प्री है ईर्षा द्वेष प्रिय है अन्य और प्री प्रिय है और जितना ये मन के विकार विषय की वासनाएं प्रिय हैं होंगी उतने अपने आप की अवहेलना होगी यदि हम कला कल्पना में पढ़ते हैं रागदेश में पढ़ते हैं बे विरोध में पढ़ते हैं तो अपने आप की अवहेलना कर रहे हैं अपने को सुरक्षित कहां रख रहे हैं कि ही मन के कि मन के किसी भी विकार में अमुक विकार कहना तो गलत विकार तो विकार है कोई ज्यादा नुकसान दे लेकिन कम नुकसान दे लेकिन अंत में है तो सब बहिर करने वाले तो मन के हम किसी भी विकार में पड़ गए और जितने समय तक पड़े रहे उतने समय तक हम अपने आप की अवहेलना करते रहे सुरक्षित नहीं रख पाए और उसी के संस्कार बन करके आगे भी मन की वृत्ति वैसे बाहर भटकेगी चित्त मल को दूर करना मन के विकारों को दूर करना इंद्रिय विषयों की तरफ न ललचाना कहीं भोगों में न पड़ना, किंतु मन इंद्रियों को संयमित बना करके रखना यही अपने आप को सुरक्षित समझ रखना है जैसे प्रिय वस्तु को सुरक्षित रखते हैं सबसे प्रिय तो है अपना आप उसी के लिए अन्य प्रिय वस्तु के अन्य वस्तु प्रिय मानते हैं तो सुरक्षित रखने का अर्थ क्या है अपने को बिखेर देना आखिर हमें अपने मन की शांति सुख सबसे प्रिय है तो उसके लिए रास्ता क्या है चित्त का बिखरे रहना इंद्रिय भोगों में उलझे रहना इतने तो शांति नहीं मिलेगी जितना मन इंद्रियां स्वस्थ होती जाएंगी निर्मल संयमित होती जाएंगी उतना ही हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और इसके लिए कहा गया है कि रात के तीन प्रहर में से एक प्रहर जागे इसका अर्थ है अपने समय का कहना चाहिए रात के जो तीन प्रहर है उसमें से एक समय एक प्रहर ध्यान आत्मचिंतन में लगाए यहां कहा गया ऐसा जो करता वो पंडित है यहां पंडित करता ज्ञानी समझदार विवेकी साधक यह पंडित कर्त, कोई पोथी पत्राधारी नहीं है अज्ञानी वही है जो अपने आप को सब तरफ से निर्मोह अनासक्त निष्काम बना लेता है अपने आप को निर्मोह निष्काम अनाशक्त बना, बना लिए तो हम अपने को सुरक्षित रख लिए फिर पीड़ा कहाँ है और कामनाओं में डूबे हुए हैं जो भी चीज थोड़ी सी चीज़ है अनुकूल लगी उसकी आसक्ति में पड़ गए अब उसी को सोच रहे हैं तो अपने को हम भूल गए सुरक्षित तो नहीं रख रखे बिखरा दिए तो समझदार व्यक्ति वह है पंडित विवेकी वही है जो चित मल मन के विकार को दूर करता है इसके लिए साधन बताया गया ध्यान आत्मचिंतन लेकिन ध्यान आत्मचिंतन ऐसे तो हो गए नहीं फिर उसके लिए सहारा लेना पड़ेगा स्वाध्याय का सत्संग का संत महापुरुषों की संगति का सब में एक श्रृंखला है एक क्रम है जैसे तैसे रह कर कर, कर के ना तो संगति पर ध्यान है न हम जो रात दिन बोल रहे हैं कैसी आपस में चर्चा कर रहे हैं क्या चर्चा सुन रहे हैं क्या देख रहे हैं इस पर ध्यान है न सोने जागने का कोई नियम है खाने पीने में लुलुपता है तो ध्यान कैसे लगेगा आत्मचिंतन कैसे होगा तो जब खाने में पीने में सोने में जागने में बात में व्यवहार में काम धाम में सब में संतुलन होगा स्वाध्याय सत्संग के प्रति प्रेम होगा रुचि होगी तब ध्यान आत्मचिंतन सही ढंग से बन पाएगा और जितना ध्यान और आत्मचिंतन सही ढंग से होगा उतना अपने को हमने सुरक्षित रखा और स्वाध्याय सत्संग ध्यान आत्मचिंतन संयम साधना की अवहेलना का अर्थ है अपने आप की अवहेलना करना अपने आप को बिखेर देना तिरस्कार करना और होता रहता है यही जितना हम अपने आप को तिरस्कार करते हैं उतना किसी का तिरस्कार नहीं करते जितने दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रखेंगे घृणा रखेंगे करता रखेंगे कठोरता कर रहेंगे दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे उतने हम अपने आप की अवहेलना करते चले गए आखिर जो हम कर रहे हैं देखते हैं सुनते हैं खाते पीते हैं उनके संस्कार ही तो मन में बनते हैं और वही संस्कार फिर हमारे जीवन का कर, निर्माण करते हैं संस्कार गलत बना गलत देख सुनकर गलत देखने सुनने खाने से तो मन भटक रहा है दुखी बना रहा है और दुखी बना है मन अपने को हमने असुरक्षित रखा तो यहाँ तथागत बुद्ध कहते हैं वह व्यक्ति पंडित है समझदार ज्ञानी जो अपने को प्रिय समझता है समझ समझने अपने प्रिय समझ सुरक्षित रखता सुरक्षित रखना कर मन के विकारों का त्याग कर देना चित मल को दूर करके सब तरह से निर्माण निर्मो निष्काम अनासक्त हो जाना और इसके लिए साधन प्रतिदिन समय निकाल करके ध्यान आत्मचिंतन करना अन में पठमम रूपे निवेश अथन्न मनुषास्य न क्लिश्य पंडितो अन्नम एव पहले अत्नमें अपने आप को ही प्रथम पहले रूपे शिक्षा के अनुकूल ज्ञान के आचरण में प्रवेश करें सीधा अर्थ है कि पहले अपने आप को कल्याण साधना में लगाए पहले अपने आप को ही शिक्षा दे अपने आप को ही समझाए अपने आप को ही संवारे तब पीछे को उपदे पीछे दूसरे को शिक्षा दे उपदेश दे उन्हें समझाए ऐसा करने से न कृष्चेय पंडितों पंडित को क्लेश नहीं होगा हम करते क्या हैं हम चाहते हैं कि पहले दूसरे लोग सुधर जाएं दूसरे लोग समझ जाएं दूसरे लोग नीति से नियम से सदाचार से चलें हम पहले सुधर जाएं हम पहले अपने को सदाचारी बनाएं हम पहले अपने को साधना में कसें दृष्टि नहीं है सदैव हम दूसरे को देखते रहते हैं इसलिए चित्त में क्लेश होता रहता है यहां तथागत तो बुद्ध कहते हैं जिन सदगुणों को सदाचारों को सदरानी को संयम को परहेज को आप दूसरों में देखना चाहते हैं इनका उपदेश दूसरों के लिए कर रहे हैं उनका आचरण पहले स्वयं करें वाणी से कहने की तो आवश्यकता होती ही है लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता है आचरण द्वारा कहने की आचरण द्वारा कहने का अर्थ यही है कि जब हमारा आचरण हमारा संयम साधना सब संतुलित है व्यवस्थित तो उसको देख करके दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा लोग उससे प्रेरणा लेंगे और स्वयं उस आसम चलेंगे वाणी द्वारा कहने का खंडन नहीं है यहाँ विशेष जो है कि पहले स्वयं के सुधार पर आखिर हम क्या चाहते हैं दूसरे लोग सन्मार्ग में चले संयम साधना से चले सद्गुणी बने सदाचारी बने क्यों क्योंकि इन रास्ते पर चलने से उन्हें दुख नहीं होगा तो पहले हम अपने को दुख मुक्त करें हम चाहते दूसरे लोग दुखी ना हों। और हम स्वयं दुखी बने हुए हैं तो दूसरे दूसरे लोग दुखी ना हों उन लोगों का दुख मिट जाए तो हमारा कौन सा तो लाभ हो जाएगा हम क्योंकि तो हम स्वयं दुखी बने हुए हैं हमारा दुख मिट गया संयम साधना विवेक विचार की रहनी हमने अपना ली हमारा दुख खत्म हो गया दुनिया भर के लोग दुखी बने रहे हैं हमारा दुख खत्म हम दुखहीन तो हमारा कौन सा तो घाटा है उसमें हमारा तो लाभ है इसलिए तथागत तो बुद्ध कहते हैं कि पहले दूसरों को ही समझाने के चक्कर में न पड़ो और हम देखते हैं दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं कहीं के किसी मत पंथ के हों कि संप्रदाय के और आज वर्तमान में ऐसे संत हैं वे लोग पहले स्वयं को ही साधना की कसौटी में कसे और साधना की कसौटी में कस करके वे अपने जीवन से दुखों को निकाल बाहर कर दिए उनका मन क्लेश मुक्त दुख मुक्त पीड़ा मुक्त हो गया तब फिर वे औरों को समझाना शुरू किए कि इस रास्ते पर चलकर जिस रास्ते पर चल करके दुख दुखमुक्त तो हुआ इसी रास्ते पर चल करके अन्य लोग भी दुखमुक्त तो हो सकते हैं क्योंकि बहुत लोग दुखी हैं सब दुखी हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारा वो दुख मिटे तो ऐसा समझ करके तब वे लोग दूसरों को उपदेश करते हैं पहले से उपदेश करने चक्कर में नहीं पड़े तो पहले स्वयं का सुधार और ऐसा करने से दुखी नहीं होगा हमारा जीवन स्वयं बुराइयों में लिपटा हुआ है और दूसरों को हम बुराइयों से दूर रहने का उपदेश करते घूम रहे हैं तो क्या होगा हमारी आदत ना होगी बुराई बुराई होगी निंदा होगी इससे परिणाम में मन दुखी रहेगा और हमने अपनी बुराइयों को दो दुर्गुणों को दूर कर लिया उसके पश्चात दूसरों को कहते हैं कोई चाहे तब फिर कोई निंदा करे चाहे बुराई करे चाहे प्रशंसा करे दुख नहीं होगा मन को तो दुख से बचने के रास्ता यही है स्वयं सदाचार संयम साधना के पथ पर चलना अब फिर जो सुनने वाले हैं उनको अपनी बात बता देना अब वो माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी कौन किसको मनवा सका है आज तक और ऐसे जो संत हैं हैं लेकिन उनकी संख्या सदैव कम रहती है साधु कबीर ने भी कहा कि अमृत केरी मोटरी बहुविधि दिन घोर आप तरीका जो मिले ताए पियाओ घोर साहब कहते पहले अमृत की मटरी मैंने खोल दिया तुम इसमें पियो तृप्त हो जाओ अब फिर तुम्हारे जैसा कोई प्यासा मिले उसे भी घोल करके पिला दो साहब क्या कहते हैं आप उस रीखा जो मिले ता ही पिलाओ घोर तुम्हारे जैसा कोई प्यासा मिले उसको पिला और तुम खुद प्यासे बने हुए हो पी करके तृप्त तो हुए ही नहीं हो तो क्या पता चलेगा कि हाँ इसको पीने से इसको ग्रहण करने से तृप्ति मिलती ही है तो पहले स्वयं को उपदेश देना होगा स्वयं को समझाना होगा और जो स्वयं को समझा लेता है उसी के उपदेश का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और जो और यदि हमने अपने को, को समझाया नहीं तो हमारे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा हमारा मन दुखी रहेगा और स्वयं को हम समझा लिए जो उद्देश्य हम करते हैं जो उदेश शिक्षा देते हैं उसका आचरण कर लिए बस हमारा मन तृप्त दुख रहित दुख से बचने का रास्ता यही है अतान तथा कैरा यथन्न मन सादंतोवत दम्मत ही किर तथागत बुद्ध फिर वही बात कर रहे हैं अपना स्वयं का आचरण ऐसा उत्तम करे कि जैसा दूसरों को उपदेश करना चाहता है सुदंतो वत तो दमेत अपने आप का ही अच्छी तरह से दमन करे अत्ता ही कृदुद्दमों वस्तुतः अपने आप का दमन करना ही कठिन है अत्तानंच अपना आचरण यदि उस तरह कई राथ मनुशासित जैसे दूसरों को उपदेश करना है जिस अच्छे आचरण का उपदेश हम दूसरे को करना चाहते हैं जिस अच्छी सीख देकर के लोगों को सुधारना चाहते हैं उस सिक्ख का पालन स्वयं कर ले, उस उपदेश का पालन स्वयं कर ले, वैसा आचरण अपना कर ले, क्योंकि उपदेश देना लोगों को समझाना तो बहुत सरल है कठिन है उसका पालन करना स्वामी रामतीर्थ ने शायद कहा है दुनिया में दूसरों को उपदेश करना तो सब चाहते हैं और सब जानते हैं लेकिन उस उपदेश को लेना कोई नहीं चाहता सबको लगता है कि हम बड़े समझदार हैं ज्ञानी हैं इसलिए है, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को समझाएं ठीक है छह समझाना लेकिन हमारा दुख बना हुआ है हम पीड़ित हैं तो समझाने का क्या प्रभाव पड़ेगा इसलिए यहां भी कहते हैं कि पहले अपने आप स्वयं का आचरण ऐसा करे जिस आचरण में हम दूसरों को देखना चाहते हैं जो स्वयं नीति से नियम से अनुशासन से नहीं चल सकता वो दूसरों को नीति नियम अनुशासन से कैसा चलाएगा फिर सबको अपना अपना मन है सुदंतो व दमेत अपने आप का दमन करना ही कठिन है अपने आप को दमन करने का अर्थ क्या है अपने मन इंद्रियों पर सुबस्ता प्राप्त करना और जैसे दमित घोड़ा दमित हाथी दमित मतलब सिखाया हुआ जंगली घोड़ा है उसे ला कर के उस पर बैठ जाओ तो क्या करेगा उठाकर पटक देगा उस घोड़ा को दमन करो दमन करो मतलब सिखाओ मेहनत लगेगी समय लगेगा एक दिन में वो दंगली घोड़ा सीख नहीं पाएगा बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी उसको सिखाने के लिए बड़ी मेहनत अब समय लेकिन धीरज के साथ मेहनत करते हुए समय दे करके उस घोड़ा को दमन किया जाए सिखाया पढ़ाया जाए तब सवारी उस पर की जाए तब तो वो घोड़ा दौड़ते हुए मंजिल तक पहुंचाएगा सवारी का आनंद देगा नहीं तो उठाकर पटकेगा वो जंगली घोड़ा जो है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हमारी इंद्रियां और हमारा मन है बहुत बिगड़ेल और इन्हीं बिगड़ैर इंद्रिय मन के हाथों में हमने अपनी जीवन सौंप दिया जी हम इसी इसी पर ही सवार हो गए हैं तो क्या होगा पटके गए सब बार बार इसलिए बाहरी घोड़े का हाथी का शेर का चीता का अन्य दमन करना तो कठिन है बड़े बड़े शत्रु हैं बहुत बलवान हैं उनका दमन कर लेना भी सरल है कठिन है अपने आप का दमन अपने मन इंद्रियों का संयम और ये वही कर सकता है करने को तो कोई भी कर सकता है हर आदमी में बराबर शक्ति है क्योंकि जीव मात्र मूलतः एक समान है करने को तो कोई भी कर सकता है लेकिन उसका जब ध्यान दे तब उसके लिए धीरज रखें, मेहनत करें समय का इंतजार करें धीरे धीरे धैर्यपूर्वक रोज रोज अभ्यास करते करते अपने मन इंद्रियों पर स्वस्थता प्राप्त होती है लेकिन हम धीरज छोड़ देते हैं मेहनत करते नहीं बराबर जो सदगुण स्वाचार संयम साधना की बात बताते हैं दूसरों को उनका अपना जीवन में प्रयोग करते नहीं है तब अपने आप का दमन कैसे हो कठिन है इसलिए अपने आप का दमन आदत बिगड़ी हुई है अनादिकालीन बहिर्मुक्ता के संस्कार हैं इस जन्म में भी जब से हो संभाले तब से अपने आप को बिगाड़ने का ही काम किए और थोड़ी सी मेहनत करके दो चार दिन सत्संग कर लिए दो चार दिन मतलब महीना दो महीना छः महीना कुछ दिन थोड़ा समय पंद्रह बीस मिनट किसी प्रकार से ध्यान चिंतन में बैठ गए और कहते हैं देख लिया अब इतना करके इंद्रिय मन तो बस में होना नहीं है बेकार लोग कहते हैं उस समर्पण भावना नहीं है किसी भी काम के मूल में मेहनत तो चाहिए यदि सफलता प्राप्त करना है कठोर परिश्रम तो चाहिए लेकिन कठोर परिश्रम तब तक नहीं हो सकता जब उस काम के प्रति प्रेम ना हो और समर्पण ना हो जिसके लिए भी हमारे मन में प्रेम और समर्पण है वहां बड़ी सी बड़ी कठोर से कठोर मेहनत भी मेहनत नहीं जान पड़ेगी तो उसमें थकावट नहीं आएगी और सफलता मिलेगी बिना प्रेम और समर्पण के छोटे से छोटे काम में हम थक जाएंगे हमारी ऊर्जा का शक्ति का बहुत अपव्यय होगा तो अपने आप पर दमन क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि समर्पण नहीं है अनिश्चयता नहीं है ये बात पूर्वक हमारे मन में अभी बैठी नहीं है कि मन इंद्रियों का दमन करने पर पशुता प्राप्त करना एकमात्र ही कल्याण का रास्ता है। इसके बिना तुम्हें तो दुख से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता और जितने निश्चयता हो जाएगी कि नहीं मन इंद्रियों का संयम ही कल्याण का शांति एकमात्र रास्ता है उस दिन समर्पण हो जाएगा और समर्पण हो जाएगा तो उसको स्वस्थ करना सरल हो जाएगा समर्पण नहीं है प्रेम नहीं है निश्चयता नहीं है इसलिए अपने आप पर संयम करना अपने आप को दमन करना बहुत कठिन हो गया है चाहते हैं सब हमारे बस में रहे सब हमारे बस में रहे कोई हमारी आज्ञा के बाहर कुछ न करने पाए और हमारे मन हमारी इंद्रिया ही हमारे बस में नहीं है तो फायदा क्या होगा क्या मिल जाएगा हमको सब बस में हो जाए और हम हमारे मन इंद्रिया ही हमारे बस में नहीं है तो किसी को बस में करने का आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है अपने आप को बस में करने की अपने आप पर दमन करने की अपने आप पर दमन कर बस यही मन इंद्रियों पर दमन अतः ही कृद दमन इसलिए फिर स्वागत बुद्ध वास्तव में अपने आप का दमन करना ही बड़ा कठिन है और इसमें कारण सिर्फ लाभ निश्चयता की कमी लाभ निश्चयता हो जाने पर जो हम ज्ञान बयाग की बात कहते हैं उनका आचरण करना पालन करना सरल हो जाएगा पवित्र आचरण निर्माण रहनी आत्मसंयम इसी में जीवन का मंगल है इसको छोड़ करके और कहीं मंगलमयता का सुख का शांति का दूसरा कोई उपाय या साधन रास्ता है ही नहीं इसलिए सबसे पहले हम स्वयं अपना आचरण वैसा करें जैसा उपदेश हम दूसरों को देना चाहते हैं या दे रहे हैं और अपने आप पर पूर्ण संयम पूर्ण सुवस्था प्राप्त करें अत्ता ही अतनो नाथो कोई ही नाथो परोसिया अतनाव सुदंतेन नाथम लभती दुर्लभम आत्मा ही आत्मा का स्वामी मालिक है उसका मालिक उसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है जब मनुष्य अपने आप का पूर्ण पूर्ण दमन कर लेता है तब वह दुर्लभ दमित आत्मस्वामी स्वामी को प्राप्त करता है अत्ता ही अतनो नाथो आत्मा ही आत्मा का स्वामी है जीव अपना मालिक स्वयं है कोई नाथो पड़ोसी उसका मालिक दूसरा कौन हो सकता है बिहार में अमुक नौकर है अमुक सेवक है अमुक मालिक है अमुक राजा है अमुक प्रजा है अमुक गुरु है अमुक शिष्य है ये व्यवहारिकता की बात है और व्यवहारिकता में ये सब मानना पड़ता है कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई स्वामी है कोई सेवक है लेकिन मूल रूप में देखें तब आत्मा का मालिक आत्मा स्वामी दूसरा कौन हो सकता है हर जीव अपना मालिक स्वयं अलग से कोई मालिक मिलने वाला है नहीं लेकिन कहते हैं जीव अपना मालिक कब बनेगा जब वह अतानम सुदंते सुदंते अपने आप पर पूर्ण संयम कर ले अपने आप को पूरा का पूरा दमित कर ले तब आत्मा ही आत्मा का मालिक है तो ठीक है मालिक नौकर को अपने इशारे से काम करवाता है अपने इशारे से चलाता है अपने आराम के लिए ही मालिक नौकर रखता है और नौकर काम करते हैं मालिक आराम से बैठा रहता है लेकिन कल्पना करें नौकर मालिक पर इतना हावी हो जाए इतना हावी हो जाए कि मालिक की आज्ञा मान भी न करें मालिक से अपनी हर इच्छा पूरे करवा ले तब फिर तो क्या हो? नौकर मालिक बन गया मालिक नौकर बन गया हमारे जीवन में यही हो रहा है ना हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे नौकर हैं जीव के नौकर और इस जीव की सुख सुविधा के लिए उसको शांति के लिए ही इस मन इंद्रियों को काम करना चाहिए लेकिन हो गया उल्टा इंद्रिया मालिक बन गई हैं, मन मालिक बन गया और जीव उनका गुलाम बन गया है साहब ने कहा है बीजक में नष्ट का राज है नफर का बढ़ते चीज संसार नष्ट होने वाला है लेकिन नफर का बढ़ते तेज नफर नौकर गुलाम उसका ही तेज ब्रत रहा है उसका ही प्रभाव मन ने जैसा मान लिया मन ने निश्चय कर लिया कि नहीं इसमें सुख है अब बिचारा जीव दौड़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अपने अपने भोगों तरफ इंद्रिया ललाई और जीव उसको रात दिन उन भोगों को देने के लिए विवश हो गया है तो अपना मालिक कहां रह गए हम हमें अपने ज्ञान का बुद्धि का अपनी समझदारी का अब अपने और बहुत कुछ का बड़ा अहंकार हम कहते हैं कि कह हम किसी की बात नहीं मान सकते हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते हम किसी के अधीन रह नहीं सकते बात बहुत बढ़िया है लेकिन रात दिन गुलामी इंद्रियों की कर रहे हैं इंद्रियों के भूत होकर के संसार में नाच रहे हैं इसकी चिंता है का की चिंता हमको होती है गुलाम से भी बदतर हमारी स्थिति बन गई है गुलाम को तो थोड़ा बहुत तो आराम मिलता होगा इंद्रिय मन के बसी भूत जो बन गए हुए हैं वो जी है। को तो जिंदगी भर कहीं आराम नहीं है इसलिए तथागत बुद्ध यहां कहते हैं अतानम सुदंतेन जी अपना मालिक कब बनेगा अपना स्वामी कब हो सकता है जब वह अपने आप को अच्छी तरह से दमित कर ले अपने आप पर पूर्ण संयम कर ले तब नाथम लभति दुर्लभम वह दुर्लभ स्वामी को पाता है दुर्लभ स्वामी क्यों कहा गया क्योंकि है तो तो नित्य प्राप्त ही है उसमें दुर्लभता क्या है दुर्लभता दुर्लभ का अर्थ है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो लभ कहते हैं प्राप्त होने को दूर है कि इसमें उपसर्ग है एक कठिन तो जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो वो दुर्लभ लेकिन अपने आप को प्राप्त तो क्या करना है अपने आप तो ही है नित मिला मिलाया है लेकिन इतना दुर्लभ क्यों कहा गया क्योंकि हमारी शक्ति बाहर बिखरी हुई है और दृष्टि बहिर्मुख है मन बहिर्मुख है अपने आप की तरफ ध्यान ही नहीं है सब समय शरीर प्राणी पदार्थों का महत्व समझ में आता है अपने आप को महत्व समझ में नहीं आता है इटली अपनी तरफ लौटना कठिन हो गया है और जब मन इंद्रियां संयमित हो गए पूरा का पूरा मन अंतर्मुख इंद्रिया सोबस बस दुर्लभ स्वामी आत्मसामी मिल गया मिल के गया वो तो है ही पाना तो है नहीं उसमें तो यहां पर जो तथागत बुद्ध कहते हैं नाथम लवत दुर्लभम और दुर्लभ स्वामी को प्राप्त करता है तो यह दुर्लभ स्वामी कोई बाहर नहीं है क्योंकि तथागत बुद्ध अलग कोई स्वामी नहीं मानता अलग से कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बुद्धवानी में इनकी कोई गुंजाइश ही नहीं है तो यहाँ जो कहते हैं कि नाथम लभ दुर्लभम तो वो कोई बाहर स्वामी पाने की बात है नहीं वो स्वामी अपना आपा है और आत्म आत्मदमन नहीं हो वापा है आत्मस्वस्थ प्राप्त नहीं है इसलिए अपने आप में लौटना अपने आप को समझना कठिन हो गया है सबसे कठिन तो अपने आप को समझना ही है ना बाहर की वस्तुओं का ज्ञान तो सहज हो जाता है क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख मन बहिर्मुख उनको अंतर्मुख करने पर तब अपने आप को समझना हो गया अपने आप को समझ लिए जो मैं प्राप्त करना चाहता था जिसे मैं खोज रहा था वो तो बाहर कुछ नहीं हो तो मेरा अपना आप ही है बस वो मिल गया सुलभ हो गया दृष्टि अपनी तरफ लौटाना है बस आत्मकेंद्रित कर लेना है बस अपने को जान लिए प्राप्त कर लिए अपने आपका स्वामी हो गया सीधी सी बात यहां पर यह है कि जो अपने आप पर पूर्ण संयम कर लेता है वह अपना मालिक स्वयं हो जाता है और जब तक हम अपने आप पर संयम नहीं करते तब तक हम अपना मालिक कभी हो नहीं सकता है हो नहीं सकते हैं जिस शक्ति से हम बाहर की वस्तुओं को संभालते हैं उसी शक्ति से हम अपने आप को भी संभाल सकते हैं मन और इंद्रियों को बहिर्मुख करने में जितना हम समय देते हैं जितनी शक्ति लगाते हैं उसी शक्ति से उसी समय से मन और इंद्रियों को भी हम अंतर्मुख कर सकते हैं उन पर स्वच्छता प्राप्त कर सकते हैं जी में शक्ति की कमी नहीं है शक्ति लगा दिया है गलत दिशा में और गलत दिशा में चाहे चाहे जितनी मेहनत मेहनत करें पर नाम गलत ही आएगा इस शक्ति को अंतर्मुक्तता की तरफ लगा लें संयम साधना में लगा लें बस गुलामी समाप्त पर नाम अच्छा आना ही आना है इडले तथा बुद्ध कहते हैं कि अपना आप का दमन करो अच्छी तरह से जब पूर्ण दमन हो गए अपने आप पर पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो गई तब दुर्लभ स्वामी जिसे आज तक अनाधिकार से भी प्राप्त नहीं किए थे वह मिल गए आत्मसाक्षात्कार हो गए आत्मस्थिति हो गई बस गीता में भी ये बात कही गई उदाहरण यहां दिया गया है उधरेदात्मनात्मा नात्मानम साधत्म्हात्मनो बंधुरात्म ऋपुरात्मन वात्मना जित अनात्मनस्त शुत्व वर्तेतात्म शत्रुव उधरे उधरे आत्मनात्मा अपने द्वारा अपने आप का उधार करे और न आत्मान अवसादयेत अपने द्वारा अपने आप का पतन न करे आत्मा आत्मनो बंधुरात्मा रिपुरात्मना आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है कब बंधु आत्मान बंधु आत्मान इन आत्मय आत्मना जीता जब मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया गया तब आत्मा अपने आप का बंधु हो गया और अनात्मनस्त शत्रुत्वर्तित्व तो आत्मा शत्रुवत और जिसके द्वारा जिन्होंने अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की वह अपने आप के साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है वह अपने आप का शत्रु है जिन्होंने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उन पर स्वस्थता प्राप्त कर ली वो अपना मित्र बन गया अपना बंधु बन गया उन्होंने अपने आप को धार कर लिया और जिन्होंने मन इंद्रियों पर विजय तो प्राप्त नहीं किए स्वयं मन की गुलामी में पड़ गए वो अपने का शत्रु बन गए अपने आप शत्रुता का व्यवहार कर रहा है अपने आप का पतन कर रहा है अपने को बंधन में डाल रहा है दूसरा कौन मामले करने वाला है बाहर कोई गुलाम है और कोई मालिक है ठीक है बाहर कोई गुलाम मालिक है लेकिन गुलाम अपने मन इंद्रियों पर संयम कर लिया है तो अपना मालिक वो खुद बन गया है अंदर से और जो मालिक है इंद्रियों पर संयम नहीं है तो अपने वो स्वयं गुलाम बना हुआ है संयम उदाहरण आता है कि गुलाम था पहले तो बस कोई लोग हमला किए बलवान कोई है, है कुछ लोगों का दल है बलवान है बस गए किसी गांव में रात में सब सोए हमला कर दिए मारे काटे और फिर जो जवान है स्त्री है बच्चे हैं उनको पकड़ करके ले आए जो जीवित रहे उनको बेच दिए बाजार में या स्वयं गुलाम बना लिए ऐसे तो गुलामी प्रथा चलती रही है तो एक गुलाम एक बड़े धनी आदमी ने खरीद लिया और कहा कि जब मेरा बाग है आम का बाग इसकी रखवाली करना अब रखवाली करने लगा आम का मौसम आया जेठ साल के महीना आम के फल पके हुए थे पेड़ में मालिक एक दिन अपने मित्रों के साथ आया कि चलिए बाग में चलेंगे वहीं बैठेंगे पिकनिक भी हो जाएंगे और पके पके आम पेड़ से तोड़कर तत्काल खाएंगे मालिक गए अपने मित्रों के साथ बैठे और गुलाम था रखवाल उससे कहा कि जाओ बढ़िया बढ़िया आम मीठे मीठे आम तोड़ करके लाओ खाने के लिए वो गया देख रहा था बड़ा चमकदार बड़ा बड़ा आम देखने में बड़ा सुंदर तोड़ तोड़ करके ले आया एक टोकरी सब सामने रख दिए मालिक उठाए अपने साथियों को आम को काटे साथियों के, -के फाँक दिए खाने लगे देखे खाया तो बड़ा खट्टा मैंने डांटा अरे तूने तुझे कहा था कि मीठे मीठे आम लाना तो ये खट्टा माल ले आ, ले आ, आम ले आया हो तुम्हें मालूम नहीं है इतने दिन हो गए रखवाली करते हुए कौन आम खट्टा कौन आम मीठा है तो गुलाम ने कहा हुजूर आपने मुझे आम के रखवाली करने का खाने थोड़े कहा था खा बिना खा पता पता चलेगा कि एक मीठा ये एक खट्टा है कहा भैया तू तो मेरा मालिक बन गया है छोड़वा दे तू तो बहुत बड़ा संत है उसी दिन उसको गुलामी से मुक्त कर दिया तो रहता था बाग में लेकिन रहते हुए भी एक भी आम नहीं खाया चखा ही नहीं क्यों अपने आप का मालिक था वह ऐसा नहीं था कि उन्होंने देखा होगा आम को पके पके आम को तो मन ललचाया नहीं होगा अरे सुंदर कोई देखने वाला नहीं मालिक तो सौंप ही गया है जब चाहो तब खा लो उसका मन ललचाया नहीं होगा ऐसा तो नहीं है लेकिन अपने आप पर इतना संयम कि एक भी आम चखा भी नहीं क्यों अपना मालिक बन गया है इंद्रिय के गुलाम नहीं थे वो तो इंद्रियों को जीत लिया इंद्रिय मन को जीत लिया तो अपना स्वामी बन गया अपना बंधु बन गया अपना मालिक बन गया अपने आप को मोक्ष में ले गया और यदि इंद्रिय और मन को नहीं जीत पाया स्वयं मन इंद्रिय द्वारा जीत लिया गया तो हम अपने साथ शत्रु तक स्वयं व्यवहार कर रहे हैं अपने शत्रु स्वयं बन गए हैं अपने आप को पतन कर रहे हैं दूसरा हमारे साथ थोड़ा सा कुछ दुर्व्यवहार किया मन का अनुकूल काम नहीं किया मन का अनुकूल बात नहीं किया तो हम उससे कहते हैं हमारा आदमी विरोधी है हमारा शत्रु है हमारा बैरी है उसके लिए मन में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं और अपने मन इंद्रियाँ रात दिन हमको नचा रही हमारे कहने, कह ते ते हमको हमारे कहने में नहीं है कभी अपने मन इंद्रियों पर शत्रुता का व्यवहार हमने किया माना ये हमारे मन इंद्रिय शत्रु है इनकी मांग पूरे नहीं करना है जो आदमी हमारे मन के अनुकूल काम नहीं किया कोई चीज मांगा साहब अमुचित दे दो नहीं नहीं देने वाला तुम ऐसे आदमी हो और इंद्रिय मन हमें रात दिन रगड़ रहे हैं और उनके भोगों को हम पूरा करने में रात दिन लगे हुए हैं मानते कि हम बहुत समझदार आदमी हैं बड़े ज्ञानी कहाँ ज्ञानी है अपने के लिए साथ ही शत्रुता का व्यवहार रात दिन कर रहे हैं कौन दुख दे रहा है हमें भारत को दुख तो दे नहीं रहा है हमारे ये चंचल इंद्रियां हमारे चंचल मन इनकी आसक्त यही दुख दे रहे हैं इनको जीत लिए अपने आप पर पूर्ण संयम करने का अर्थ क्या है अत्यान सुदनते अपने आप पर पूर्ण दमन यही है मन इंद्रियों पर पूर्ण स्व्यवस्था प्राप्त करना और ऐसा कर लिए हम अपना मालिक बन गए